वेलकम टू अल्बेनिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सबको खुश आमदीद, वेलकम टू माई चैनल। अच्छा जी, कल के लिए माजरत, कल मेरे GoPro की बैटरी जो है वो चलते हुए कम्प्लीटली डेड हो गई थी, और जो दूसरी 5 बैटरियां थी वो भी ड्रेन आउट हुई थी। तो इस वजह से जब खाने के उधर से निकले तो उसकी एंडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए। तो खैर, कल मैं खाना लेके इधर रात में आ गया था। थोड़ा सा मैंने जो था वो कोतूर को जो है एक्सप्लोर करा। अब जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं, सुबह के इस टाइम पे यहाँ पे 6:20 हो रहे हैं, और नज़ारा कुछ इस तरीके का है यहाँ पे। अर्ली मॉर्निंग ये नज़ारा है यहाँ पे, बहुत शानदार। तो अब जो है यहाँ से निकल रहे हैं और अब चलेंगे हम। टोटल आज हमारा जो सफ़र है वो है कोई अबाउट रफली जो मुझे बता रहा है गूगल बता रहा है 4.5 घंटे का रास्ता है। तो चलना फिरना रुकना रिकॉर्डिंग करना, आई थिंक आज पूरे दिन की राइड हो जाएगी। और आज हम क्रॉस करेंगे मॉन्टेनेग्रो छोड़ के, आज हम अल्बेनिया की क्रॉसिंग करेंगे, डिपेंड करता है। तो अभी जो है हम चल के इस पहाड़ के टॉप के ऊपर जाएंगे, वहाँ से सिटी का आपको मैं व्यू भी दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं और एक लेक है यहाँ पे, वो लेक भी देखते हैं, और फिर उसके बाद जो है डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। तो आज अल्बेनिया क्रॉस करने का, आई मीन आज जो है मॉन्टेनेग्रो को छोड़ना और अल्बेनिया की क्रॉसिंग करना है। तो लेट्स गो, इससे पहले ज़्यादा देर हो तो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर चलना शुरू हो गई हवाएँ और मैं नहीं चाहता कि मैं बारिश में फंसूँ यहाँ पे। पॉसिबली शायद बारिश है, बहुत कम चांसेस दिखा रहा है, बट रादर बी सेफ देन सॉरी। तो चले निकलते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन सबको। अच्छा जी, सामान लोड कर चुके हैं मस्तानी के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और अब जो है हम जो है जाएंगे पहाड़ों के ऊपर। थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो टॉप सिटी जो है ना, ये पूरा टॉप से व्यू आता है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। तो सामान कर लिया, लोड अप करते हैं बाइक को, स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से। तो आज का सफ़र जो है ना लंबा होने वाला है, पूरे दिन की ही राइड हो जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो मैं ऊपर पहाड़ों की जद्दोजहद कर रहा हूँ जाने के लिए, आपको पसंद आए। तो चलें, अब बाइक को कर लिया स्टार्ट, ग्लव्स पहन लिए, और अब निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। तो बाइक होगी वार्म और हम हैं रेडी निकलने के लिए, तो लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके जी, तो आज का सफ़र है लंबा चौड़ा, तो उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होगा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह पाक से हमारी दुआ ये है कि आज का हमारा सफ़र जो है वो खैर खैरियत से गुजरे, कोई प्रॉब्लम ना आए, और जितनी भी मुश्किलें हैं वो रब्बुल इज़्ज़त टाल दे। तो आज का प्लान ये है, सबसे पहले तो हमें जाना है पहाड़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ का नज़ारा जो है ना वो है शानदार किस्म का, खूबसूरत। तो पहाड़ के ऊपर से जाके दिखाएंगे आपको, बेसिकली जिसको मैं बोलता हूँ कि ड्रोन शॉट स्टॉप। तो नज़ारा इधर का है शानदार किस्म का, जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं और जाते हैं पहाड़ों की तरफ। अच्छा जी, आज जो है वो हम बेसिकली राउट तो ये रखेंगे, अभी तो हम जाएंगे पहाड़ के ऊपर, और फिर उसके बाद हम जो है मॉन्टेनेग्रो की कोस्ट लाइन पर ही चलेंगे, और चलते चलते फिर जो है वहाँ से जो दूसरी स्पॉट मुझे देखनी है उसके लिए हमें इनलैंड होना पड़ेगा। इनलैंड होंगे वो आपको नज़ारा दिखाएंगे, और फिर उसके बाद जो है आज हम मॉन्टेनेग्रो को छोड़ के अल्बेनिया के अंदर दाखिल होंगे। तो आज भी बॉर्डर क्रॉसिंग का दिन है, तो
अब सिचुएशन ऐसी है कि एंग्जाइटी भी है, एक्साइटमेंट भी है। अच्छा जी, यस, एक्साइटमेंट इस वजह से है कि जितना मैं करीब से करीब पहुंच रहा हूँ यूरोपियन कॉन्टिनेंट को छोड़ने के लिए, उतनी ही एंग्जाइटी भी और एक्साइटमेंट भी बिल्ड हो रहा है, क्योंकि हम माशाल्लाह से तीसरी कॉन्टिनेंट के अंदर अब दाखिल होने जा रहे हैं बहुत जल्दी। हमने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट छोड़ा और फिर उसके बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आए। अब जो है इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट छोड़ देंगे और एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इस पूरे सफ़र के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ना मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इस टाइप के जो नज़ारे हैं, क्या बात है यार, वैसे सुपर से ऊपर। अच्छा जी, इस वक्त यहाँ पे 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं बेसिकली, और मैं जल्दी थोड़ा निकला हूँ। उसकी वजह यह है, एक तो है दिन लंबा, और ऊपर से यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, जो दूसरे आए होते हैं कैंपर्स आरवीज वगैरह के अंदर, वो भी सब के सब ना निकल पड़ते हैं जैसे अराउंड 9-9:30 ना, तो सब सड़कों पे आ जाते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा ये कि यार हम जल्दी निकल लेते हैं, एक तो अच्छा अच्छा मौसम भी मिल जाएगा खूबसूरत तरीन, और हम उसके बाद जो है ईज़िली चीज़ें भी देख पाएंगे, और आई और रोड के ऊपर हमें ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। तो मैं इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ, मिलना चले हम यहाँ से ना राइट टाइम पे निकलते हैं। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना, वो बेसिकली बे ऑफ कतूर है, और ये कतूर का शहर है, ओल्ड टाउन। और अब जो है हम वो पहाड़ से देखेंगे, अच्छा ऊपर जाएंगे, फिर वापसी नीचे आएंगे, फिर बैठेंगे। तो लेट्स गो। ये कोई कैसल वॉल टाइप की इनकी पहले की है, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है टॉप पे, यहाँ से ये लेकर आ गया है कोई ज़िगज़ैगिंग स्टाइल की छोटी सी गली है जिसपे से लेके जा रहा है, बहुत शार्प है और छोटी भी और शार्प भी है। ये आप देख सकते हैं, अभी हम पहुंचने वाले हैं टॉप पे, खैर काफ़ी आगे हैं अभी तो, मगर इस टाइप का रास्ता है यहाँ से, क्या बात है यार। और ये व्यू आपके सामने पहाड़ों का जो दिख रहा है ना यार, हटो वैसे सीन हो गया बाबू। ये नज़ारा दिखाने के लिए मैं ऊपर आया था, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़ारा ना पसंद आया होगा, और सीनरी जो इधर की है बस पूछो ही नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत आला, बहुत शानदार। माने अब यहाँ पे तो बहुत बोलना ही पड़ेगा ना, सुपर से ऊपर है बॉस। यहाँ से ओ हो, इनकी जो यहाँ से लेंस की ये व्यू शुरू हुआ है मॉन्टेनेग्रो का, क्या बात है यार। अच्छा जी, ये इनकी सिटी है बुधवा, और इधर हम आ गए हैं, तो यहाँ पे चल के कहीं कॉफ़ी शॉफ़ी का देख लेते हैं। लोकेशन तो हटो बचो है यार, आप देख सकते हैं। ओए ये छोटा सा इधर कोई आइलैंड शाइलैंड भी है, सामने इनका स्मॉल टाउन भी है, हवा चल रही है ठीक ठाक। तो कोशिश करते हैं इधर ड्रोन उड़ाने की, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं ड्रोन अलाउ करेगा भी टेक ऑफ के नहीं, तो जैसा भी है देखते हैं। तो चले मैं कॉफ़ी का देखता हूँ इधर कोई कैफे शेफ है।
गई यार यहाँ पे, तो आज हवा बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है कोई कॉफ़ी वॉफ़ी की जगह देखते हैं यार, नाश्ता भी नहीं करा है। एक तो ये अपार्टमेंट लेने का नुकसान ही हो जाता है कि मैं बगैर नाश्ते वाली जगह देख लेता हूँ। मुझे बार बार अपने आप को बोलता हूँ कि नहीं यार, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड देखनी है, पर भूल जाता हूँ हमेशा। तो भाई आप किधर बीच रास्ते में चल रहे हो मोंटीनेग्रो में? ये इनका शहर है बुधवा, जो कि बीच सिटी भी कंसिडर होता है। और इधर ये छोटा सा आइलैंड जिसकी आपने भी ड्रोन फुटेज देखी, ये इधर का एक आई गेस आइकॉनिक स्पॉट है। ये आ गया यार पेट्रोल पंप भी, इसी के ऊपर कॉफ़ी शॉफी भी मिल जाएगी, वाईफाई भी मिल जाना चाहिए होपफुली। चेक फ्यूल कितना है यार, फ्यूल तो बहुत है। हम थोड़ा सा खाने पीने का कर ले यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना ना सॉरी, हाँ ना पाकिस्तानी Pakistan. Allahu Akbar. Where are you guys from? Local? Turkey. Turkish. Okay. Gardesh? Syria. Europe. Afghanistan. Afghanistan? Afghanistan where? No. So, अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं और अपनी next stop जो है lake. जो लेक का व्यू है हमें देखने जाना है, लेक का आई थिंक सकदार या सदार इस तरीके से करके नाम है उसका। वहाँ पे हम जाते हैं और वो आपको दिखाते हैं, और फिर उसके बाद जो है सोच रहा हूँ लेक के साथ साथ ही चलेंगे और फिर अल्बेनिया चले जाएंगे वहाँ से। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो चले बुधवार को जो है हम फी अमान अल्लाह बोलते हैं। मुझे बता रहा था कि हाउ दे डोंट गेट अलोंग विद अल्बेनियन, तो आई गेस इनका और अल्बेनिया वालों का चक्कर है आपस में, जो कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मगर सिटी बहुत अच्छी है, लोग यहाँ के मोंटीनेग्रो के मिलियन टाइम बेहतर हैं यार, बहुत आला। इसने जो है ही इवन बॉट मी कॉफ़ी। तो हालांकि गैस स्टेशन का अटेंडेंट था ये, यहाँ पे टेलर था बेसिकली काम करने वाला, उसके बावजूद भी वेरी नाइस ऑफ हिम, वेरी काइंड ऑफ हिम। तो चलें अब यहाँ से निकलते हैं। ये इनके शहर का मेन जो स्पॉट है आई गेस, जहाँ पे इन्होंने आई लव बुधवा का जो लगाया हुआ साइन वो था। तो अब जो है हम यहाँ से कोस्ट लेते हुए आगे जाएंगे और फिर उसके बाद जो है इनलैंड की तरफ हो जाएंगे, लेक की तरफ, और वहाँ पे चल के अब मैं आपको दिखाता हूँ। मगर यार बहुत मज़े की जगह है, मैंने ड्रोन शॉट्स इधर की ली हैं, तो आप डेफिनेटली, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ड्रोन शॉट्स जो हैं इधर की वो आपको अच्छी लगी हो। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है यार इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक तो अपना राउट भी देखना है, फिर उसके बाद आपको जो है हर चीज़ को फॉलो थ्रू भी करना है, फिर उसके बाद जो है मेक श्योर करना है कि पूरी एडिटिंग वगैरह भी सही हो, और फिर उसके आपका कलेक्शन भी होना चाहिए। हम जो है फिर उसके बाद जो है एडिटिंग में टाइम लगता है। तो खैर ही नहीं वह, अब जो है हम चल पड़े हैं यहाँ से। आई गेस दो बाइकर्स थे, मैंने बोला आप भी आगे आगे जाओ, थोड़ी बहुत कंपनी हो जाती है बेहतर है। तो चलें अब मैं जो है आपसे बात जो करूँगा नेक्स्ट, वो लेक व्यू पे पहुँचने के बाद बकिया जो मिडल के जो नज़ारे हैं वो आप देखें, एंजॉय करें। ये चलाते हुए रुका था
तो ये ऊपर टॉप ऑफ द माउंटेन से व्यू है यार, क्या शानदार किस्म का व्यू है सामने। तो बहुत आला मॉन्टेनेग्रो जो है ना छा गया है यार। अब हम यहाँ से निकलते हैं और अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। बड़ी सालिम किस्म की ढलान है यहाँ पे ये, और ऊपर से रोड भी जो है वो पुराने ज़माने के हैं, टूटे फूटे पेबल वाले, तो एस्फाल्ट तो नहीं है, पर है वो नाम का है, वो सारे पत्थरों के अंदर ही बदली हुए मैं, तो थोड़ा केयरफुल हो के ये। ओए होए होए क्या व्यू आना शुरू हो गया बॉस, सिर्फ इस व्यू के लिए आया हूँ ये ख्वारी करने, ख्वारी क्या जिस स्पॉट पर मुझे जाना है। तो सबसे बेहतर पार्ट ये है कि अल्लाह का शुक्र है बारिश नहीं हो रही, वरना यहाँ पे लंबी चौड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। अब जैसे ये ग्रेवल है पूरा, तो मेरी और ग्रेवल की तो वैसे ही पुरानी यारी है जिसके अंदर न्यू मैक्सिको में जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं तो ग्रेवल देख के एकदम से वो अंदर से थोड़ा सा ना किकिन होता है कि अल्लाह खैर करे भाई ग्रेवल से बच के। तो चलें पॉइंट पर पहुँच के आपको दिखाता हूँ। एक तो है रोड छोटा और ऊपर से है टर्ने ठीक ठाक किस्म के शार्प, और ऊपर से पूरी ढलान है, तो बड़ा केयरफुल होके करना है क्योंकि आप स्लाइडली कुछ होगे नीचे, तो कैमरा पता नहीं जस्टिफाई कर रहा है इस ढलान को कि नहीं, मोस्ट लाइकली नहीं कर रहा होगा। गोप्रो का वो एक सीन है जिसकी वजह से वो इस तरीके से कर देता है कि वो लगता है नॉर्मल है, पर नॉर्मल कुछ भी नहीं है बॉस। यार क्या स्पॉट है, ओए होए होए, अभी नीचे चलते हैं थोड़ा। ये एक और व्यू आया है इधर से, और जो मुझे देखना वो थोड़ा नीचे है। अच्छा जी, फाइनली जिस जगह पे आना था उस जगह पे मैं पहुंच चुका हूँ। ये लेक सरदार है, ये यहाँ पे मॉन्टेनेग्रो की वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ क्या दी लार्जेस्ट लेक है, और ये दो मुल्कों के ऊपर मबनी है, एक मॉन्टेनेग्रो, दूसरा जो है अल्बेनिया। हालांकि इसका जो नाम जो है वो अल्बेनियन सिटी के ऊपर है, उसकी वजह यह है कि ओरिजिनली ये पूरा हिस्सा जो होता था यूगोस्लाविया के अंदर हुआ करता था किसी ज़माने के अंदर। जंग के बाद हर कोई अपने अपने रास्ते अपने अपने अलग नेशंस बन गया, तो इसका नाम जो है वो अल्बेनिया के अंदर जो शहर है जहाँ पे मैं अब जा के रुकूँगा यहाँ से, उस शहर के ऊपर इस लेक का नाम है। इसका मेजॉरिटी एरिया जो है वो क्या नाम है मॉन्टेनेग्रो के अंदर, मगर इसका नाम वंस अगेन ऐसा है कि ये पूरा ना नाम जो है वो अल्बेनिया के शहर के ऊपर है। दिस राइट हियर इज द व्यू ऑफ दिस लेक, बहुत शानदार, दूर दूर तक जो है इधर के पहाड़ नज़र आते हैं, बहुत आला।